इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बेतहाशा बढ़ी है महंगाई। यूरोप में महंगाई का स्तर सबसे ज्यादा ऊपर दिखाया गया है और इसका असर भी बहुत ज्यादा तक हो रहा है। 50% तक बढ़ गए हैं खाद्य पदार्थों के दाम। स्टोर्स पर कई सामान के स्टॉक हो गए हैं खत्म। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस का धंधा भी पूरी तरह से चौपट हो रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हैं और अब आइए कुछ आंकड़ों के जरिए यूरोप में जो महंगाई की हालत है उसको हम समझते हैं कि युद्ध की मार आखिर यूरोप में कितनी बेहिसाब महंगाई लेकर आई है। यूरोप में जो जरूरी सामान है वो 20% तक महंगे हो गए हैं। ये हालात है इस वॉर की वजह से। साथ ही यूरोप में अनाज के दाम भी बताया जा रहा है कि 40.6% तक बढ़ गए हैं। वहीं यूरोप में नेचुरल गैस जो है वो भी 62% महंगा हो गया है। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 46% उसका निर्यात है यूक्रेन से, लेकिन 23% रूस से है और इस वजह से इसकी कीमतें भी अब आसमान को छू रही हैं। गेहूं की कीमत जान लीजिए, रूस जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक है और इस वजह से भी गेहूं के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। नतीजा ये कि दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल और आटे की कीमतों में आग लगी हुई है, यानी कि इसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है और इसीलिए यूरोप कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि जल्दी से ये युद्ध खत्म हो, लेकिन हम सबके सामने नतीजा है कि पुतिन मानने को तैयार नहीं है। युद्ध 50वें दिन में पहुंच गया है। तो अमेरिका ने लगाए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध, लेकिन यूरोप में हाल क्या है इस युद्ध के बाद, उसके आंकड़े आपने देखे। आइए ये भी जान लेते हैं कि यूरोप में महंगाई की वजह से अभी की स्थिति है क्या, क्या कुछ हो रहा है, खाने पीने की दिक्कतें कितनी ज्यादा लोगों को हो रही है, सप्लाई चेन कैसे बाधित हुई है, जल्दी से उसके ग्राफिक्स भी देख लेते हैं। सप्लाई चेन बाधित होने के बाद कच्चे तेल समेत जो बाकी कॉमोडिटीज हैं उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। विदेशी कृषि उत्पादों पर कम निर्भरता से भारत पर कम असर जरूर है, लेकिन कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जिसमें सनफ्लावर ऑयल, आटे का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। लोग घबराहट में, जिसे आप पैनिक परचेस कहते हैं, खरीदारी कर रहे हैं। स्पेन में जरूरी सामान की बिक्री 14% ज्यादा बढ़ चुकी है। जर्मनी, स्पेन, इटली के सुपरमार्केट में ग्राहकों को सीमित मात्रा में सामान देने का नियम बना दिया गया है। यूएन की संस्था ने वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.6% से घटाकर 2.6% कर दिया है। सर, यूरोप ने सोचा था यह हाल उसका होगा, क्योंकि प्रतिबंध तो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश रूस पर लगा रहे थे और उसकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे आर्थिक तौर पर। नहीं, बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि नुकसान किसी को पहुंचा रहे, नुकसान खुद को हो रहा है। तो ये जो बात है ये वाकई में सही है कि रूस जिस प्रकार से वीट, सनफ्लावर, गैस का सप्लायर है, उसका असर यूरोप पे पड़ रहा है। और इन चीज़ों, ये चीज़ें अगर महंगी होती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे एक आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ पर भी अनरेस्ट होगा। और मैं कह रहा हूँ अगर एक महीना और युद्ध चल गया तो यूरोप की हालत ख़राब हो जाएगी, यूरोप ज़मीन पर आ जाएगा कि क्या है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ जल्दी से, कि स्विफ्ट से रशिया को निकाला है, आज जो क्रेडिबिलिटी डॉलर की ख़त्म हो रही है, लोग डॉलर में इन्वेस्ट करना और उसमें रखना जो देश है बंद कर देंगे, जिसका असर काफी जो है इनकी इकॉनमी। बिल्कुल सर, ये युद्ध बेशक रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा हो और प्रतिबंध सिर्फ रूस पर लगाया जा रहा हो, लेकिन इसका पूरा असर पूरे यूरोप पर देखने को मिल रहा है और महंगाई बेतहाशा यूरोप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आइए अब समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एयरलाइंस का धंधा किस तरह बुरी तरह से चौपट हो रहा है और बहुत हद तक प्रभावित हो चुका है। यूरोपियन एयरलाइंस बुकिंग में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्रांस अटलांटिक बुकिंग में 13% की गिरावट देखी गई है। तो वहीं यूक्रेन के पड़ोसी देशों में बुकिंग में 50% की कमी आ गई है। अमेरिकी यात्री 47% ने अपनी यात्रा को टाल दिया है और पूरा यूरोप इस वक्त बुरी तरह से महंगाई और कई सेक्टर्स पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर, हमने देखा कि बेशक ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा हो, 6,000 से ज्यादा प्रतिबंध रशिया पर लगाया गया ताकि उसकी कमर टूटे और वो इस युद्ध में घुटने पर आ जाए, लेकिन इसका खामियाजा पूरा यूरोप भुगत रहा है। यूरोप को रिलीफ कैसे मिलेगी और इस युद्ध का क्या आपको अंत होता कहीं से भी नजर आ रहा है? देखिए, इसका असर सिर्फ यूरोप पे नहीं है, पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में देखें तो पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा इस साल है। ब्रिटेन में 8.7% इन्फ्लेशन इंडेक्स चला गया है। खाद्यान्न के जो दाम बढ़ रहे हैं यूरोप में, पूरी दुनिया में, और अफ्रीका और एशिया के का एक जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है लोगों का, वो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पे हो रहा है। कोविड के बाद अगर ट्रैवल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ हुआ है तो वो इससे होगा। युद्ध का
का खात्मा हो या ना हो, मुझे नहीं लग रहा युद्ध का इमीडिएट कोई खात्मा असर होगा, लेकिन असर बहुत 10 सेकंड का रिएक्शन लेके फिर विवेक के पास जाते। देखिए अगर ये युद्ध 20 दिन 25 दिन और चला ना तो यूरोप की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे 100 साल पहले ग्रेट रिसेशन के वक्त हुई थी। ठीक है जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।